अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम फ्रीलांसिंग के बारे में सीखेंगे और एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म फाइवर, इसको एक्सप्लोर करेंगे फॉर अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। अब हमने इस कोर्स को पूरी तरह से सीख लिया, लेकिन इन द इंटरिम इस कोर्स के दौरान मुझे कुछ लोगों के मैसेज आए जिन्होंने कहा कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, क्या ये ज़रूरी है या नहीं है, और अगर हम हीलियम 10 का पेड प्लान भी परचेज नहीं कर सकते तो हम क्या करें, क्या हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लाइक क्वेश्चन बहुत सारे आए। तो कुछ लोगों को तो मैंने कहा कि अगर आप लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम होना आपका ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन मैंने मोस्टली सबको यही कहा कि आप लोगों को मैं एंड पे वेज बताऊंगी जिसके थ्रू आप इनकम जनरेट करके ये लैपटॉप और हीलियम 10 का प्लान परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के कुछ टाइम मैं इन स्टूडेंट्स के लिए स्पेंड करना चाहूंगी। अब जिन स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप नहीं है या वो हीलियम 10 का पेड प्लान अफोर्ड नहीं करते अभी, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग फेसबुक पर जाएं, फ्रीलांसिंग ग्रुप्स इन पाकिस्तान सर्च करें, डिफरेंट ग्रुप्स आएंगे, इनको ज्वाइन करें यहाँ से, ठीक है। जब आप ज्वाइन कर लेंगे इनके अंदर पोस्ट्स को ट्रैक करें और पोस्ट करें कि मैं ये सर्विसेज ऑफर करती हूँ। आप लोग क्या कर सकते हैं, हीलियम 10 के रिटर्न नोट्स बनाकर या सॉफ्ट फॉर्म में नोट्स बनाकर वो सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये लेक्चर मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए है और मैं बेसिक लेवल पर बता रही हूँ, आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि असाइनमेंट्स बड़ी अच्छी बनाते हैं, कुछ सॉफ्ट में अच्छी बनाते हैं, कुछ हैंड रिटन बड़ी अच्छी बनाते हैं, किसी की फिजिक्स स्ट्रांग होती है तो किसी की उर्दू स्ट्रांग होती है। आप लोग अपनी सर्विसेज इस तरह लिस्ट कर सकते हैं, आप लोग इवन अपनी फ्रेंड्स की भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है आप हैंड रिटन असाइनमेंट बहुत अच्छी बनाते हो और उर्दू में अच्छी बनाती हो, आपकी फ्रेंड जो है वो दोनों उर्दू में भी बना लेती है, केमिस्ट्री में भी अच्छी बना लेती है और वो सॉफ्ट फॉर्म में भी बना सकती है, हैंड रिटन भी बना सकती है। तो आप उसकी सर्विसेज भी अपने साथ लगा दें कि मैं ये आपको असाइनमेंट इतने रुपए में बना सकती हूँ, वेल रिसर्च असाइनमेंट होगी और इतने टाइम में मैं असाइनमेंट आपको डिलीवर कर दूंगी बनाकर, जब भी आपको चाहिए, लोगों को चाहिए। उसमें आप अपने रेट भी लिख सकते हैं कि मैं इतने पेजेस की असाइनमेंट इतने पैसों में बना दूंगी, तो वहां से भी आपको क्लाइंट आ सकता है। इसके अलावा अगर कोई पोस्ट करे कि मुझे असाइनमेंट बनवानी है तो आप उसको फौरी मैसेज कर सकते हैं कि मैं आपकी असाइनमेंट बना सकती हूँ। तो इस तरह ये अर्निंग करके सेविंग्स स्टार्ट करें और उसके बाद इन सेविंग्स के थ्रू आप कोई लैपटॉप, जिनका लैपटॉप नहीं है वो लैपटॉप ले लें और जिनका हीलियम 10 के प्लान का मसला है वो प्लान परचेज कर लें। इसके अलावा भी बहुत सारी वेज हैं, आप लोग जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे, जितना सोचते जाएंगे, आप लोगों को उतने आइडियाज आते जाएंगे। और फिर क्योंकि ये अभी आप स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली ये स्टूडेंट्स के लिए है, तो दिस इज द आइडियल टाइम कि आप एक्सपेरिमेंट करें, डिफरेंट वेज एक्सप्लोर करें, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लें और उसके बाद अपने डोमेन एक्सपर्टीज को स्ट्रॉन्ग करें। मूविंग बैक टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग का मतलब है यू वर्क एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन या कंपनी, आप किसी के अंडर काम नहीं करते हो, आप अपनी सर्विसेज खुद प्रोवाइड करते हो, आपका कोई बॉस नहीं होता, अपने मर्जी के टाइम पे करते हो, अपने क्लाइंट के साथ डायरेक्टली इन टच होते हो, ठीक। फ्रीलांसिंग के बहुत से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, लाइक वी हैव फाइवर जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा बात करेंगे, इसके अलावा वन यू सर्च फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स इन पाकिस्तान, तो बहुत बड़ी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, आप इस लिंक को भी देख सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे लिंक्स हैं, इन सबको देख सकते हैं जिसके अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा फाइवर और अपवर्क फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं। और फाइवर इसलिए बहुत अच्छा है कि इसके ऊपर आप अपनी हर सर्विस के लिए एक अलग अलग स्टोर लाइक एस्टेब्लिश कर सकते हैं गिग, और अपवर्क इसलिए बहुत अच्छा है कि यहाँ पर अर्निंग पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, लेकिन अपवर्क को हम इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि अपवर्क की प्रोफाइल अप्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं और बहुत अच्छी अपनी सर्विसेज लिस्ट करें, कीवर्ड्स रिच कीवर्ड्स ऐड करें काफी सारे, फिर भी आपकी प्रोफाइल अप्रूव होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो बेटर यही है कि हम अपवर्क की तरफ जाएं इनिशियल, और जब आप इंडस्ट्री के लीडर बन जाएं तब आप अपवर्क की साइड पे जाएं। फाइवर को आप एज अ मार्केट कंसिडर कर सकते हैं, एक बड़ा बाजार, ठीक है, जिसके अंदर छोटी छोटी दुकानें हैं, इसी तरह ये फाइवर है। फाइवर के अंदर डिफरेंट फ्रीलांसर्स ने अपनी गिग्स बनाई हैं, इन दुकानों को फाइवर पे कहते हैं गिग, ठीक है। आपकी जो भी सर्विस है आप उसके रिलेटेड एक गिग बनाकर फाइवर पर लगा सकते हैं, लेकिन फाइवर पर गिग बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले कंपेटिटर एनालिसिस आना जरूरी है। जैसे अगर हम
जैसे अगर हम लोकल बात करें, किसी बाजार में जाएं, आप वहां पर जब कपड़े की मार्केट में जाते हैं, वहां पर सब दुकानें यूजुअली कपड़ों की होती हैं। अगर वहां पे कोई बर्तन की दुकान लगा के बैठ जाए, उसके पास कस्टमर रेट बहुत ज्यादा कम होगा, क्योंकि लोग उस मार्केट में एंटर ही कपड़ा लेने की नीयत से होते हैं, बर्तन की तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं जाता। ठीक, तो आपने जब फाइबर पे अपनी गिग बनानी है, आपने कीवर्ड्स बिल्कुल टू द पॉइंट इंसर्ट करने। कीवर्ड्स का मैंने आप लोगों को बताया था कैसे लेक्चर 1 या फिर लेक्चर 2 में बताया था, तो आप वो वहां से देख सकते हैं कि लेक्चर 2 में मैं लिंक कर दूंगी, तो आप लोग यहाँ से कीवर्ड्स का भी आइडिया ले सकते हैं। इसके अलावा आपने अपनी जब फाइवर पे गिग बनानी है, कीवर्ड प्रॉपर इंसर्ट करना है और देखना है आपके कंपेटिटर्स। इसके अलावा आपने देखना है कि आपके कंपेटिटर्स किस तरह कंटेंट लिखते हैं, ठीक है, उसी तरह का आपने काम करना है, लेकिन उनसे बेहतर करना है। जैसे अभी मैं कहूँ कि हम प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, अमेजोन पे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑप्टिमाइज करते हैं, उनके कीवर्ड्स अच्छे सर्च करके दे सकते हैं, ठीक है, उनके मिसस्पेलिंग्स निकाल कर दे सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कंटेंट जो डिस्क्रिप्शन होती है, ब्रांड कंटेंट लिख के दे सकते हैं, पिक्चर्स अच्छी सजेस्ट कर सकते हैं। आप इस हर सर्विस के लिए अलग अलग गिग बना दें और फाइवर पर लगा दें। अब जब आपकी इतनी सारी गिग्स होंगी तो कस्टमर के आने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे, ठीक, जब आपने हर रूल फॉलो किया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल जब आप अमेजोन कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप फाइवर पर भी यही सर्च करेंगे। यहाँ पर डिफरेंट गिग्स आ गए, ठीक है, अब इधर भी सबने अपनी मर्जी के रेट लगाए हैं, ये स्टार्टिंग रेट्स हैं। आप लोग यूजुअली फाइबर पर 3 रेट्स सजेस्ट करते हैं। अभी हम देखते हैं जिसकी अच्छी लग रही है प्रोफाइल, उसको न्यू टैब में खोल लेते हैं और फिर बाद में उसको एक्सप्लोर करेंगे कि इसने किस तरह लिखा हुआ है। ये कीवर्ड रिसर्च किया, इसको ओपन कर लेते हैं। फाइबर चॉइस का मतलब है कि इसके काम को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया हुआ है। People loved for super work and delivery. ठीक है, इसके अलावा keyword research, titles देखें और फिर open करें। keyword research, इधर ये count भी देख लीजिएगा और star rating भी देख लीजिएगा, जितनी ज्यादा उतना बेस्ट है। चलो उसका भी देख लेते हैं, 5 कोई सी देख लेते हैं। लेट्स गो विद द फोर फर्स्ट। इसकी बाकी किक्स भी एक्सप्लोर करते हैं किस तरह की हैं। दोस्त डोंट नो, मैं कंट्रोल क्लिक कर रही हूँ जिससे ये न्यू टैब में ओपन होते जा रही है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हर आपके पास जितनी भी स्किल्स हैं, हर स्किल के लिए अलग अलग गिग्स बना दें, आपके पास कस्टमर रेट ज्यादा हो जाएगा। हम देखते हैं इन लोगों ने, जो टॉप गिग्स हमने फाइंड की है, इन लोगों ने क्या कंटेंट पैटर्न फॉलो किया हुआ है और इन लोगों ने कितनी टोटल गिग्स बनाई हुई है। फर्स्ट, इसको 307 लोगों ने 5 स्टार रेट किया हुआ है और इसके 3 ऑर्डर्स ऑलरेडी इन क्यू है, यानी ये भी इन 3 ऑर्डर्स पर काम कर रहा है। फाइबर पर यूजुअली आई विल पहले से ही लिखा होता है और इसके बाद आप देखते हैं, आप लिखते हैं कि आप क्या करेंगे। उसने लिखा, आई विल डू एडवांस्ड कीवर्ड रिसर्च एंड अमेजोन पीपीसी कैंपेन्स टू जनरेट सेल्स एंड रैंक। उसने पहला कीवर्ड इंसर्ट किया, एडवांस्ड कीवर्ड रिसर्च, हो सकता है लोग ये सर्च करते हो ज्यादा, ऑन एंड अमेजोन पीपीसी, हो सकता है ज्यादा लोग ये सर्च करते हो। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट या स्टिकी नोट ओपन कर लें और उसके ऊपर नोट करते जाए कि मैंने क्या कीवर्ड्स लिखने हैं।
गूगल डॉक में इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि ये सेफ रहता है, इसके ऊपर काम आप लोग भी कर सकते हैं जो लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट है। अमेजोन कीवर्ड रिसर्च, इसके लिए कीवर्ड्स आप लोग दे रहे हैं फाइवर पे। एक आपको मिला एडवांस्ड कीवर्ड रिसर्च, अमेजोन पीपीसी कैंपेन्स। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक, यानी इस काम के भी बहुत सारे पैसे मिलते हैं, लाइक अर्निंग इसमें भी बहुत डबल है। इस प्रोफाइल के टाइटल से आपको दो कीवर्ड्स मिले, कीवर्ड्स फॉर टाइटल। इस तरह आप लोग अपने कंपेटिटर्स के देखिए उन्होंने कौन कौन से कीवर्ड्स लगाए हुए हैं। इसका बुक का इसको क्लोज कर देती हूँ। Amazon कीवर्ड रिसर्च, इससे हमें एक मिला KDB किंडल बुक कहते हैं, Amazon पर बुक्स जो पब्लिश होती है। अभी हम इन दो प्रोफाइल्स को ही देखते हैं, इनसे आपको टाइटल के कीवर्ड्स मिल गए, एडवांस्ड कीवर्ड रिसर्च और Amazon पीपीसी कैंपेन। जिसके अलावा थर्ड मिला Amazon कीवर्ड रिसर्च। KDP के लिए अभी छोड़ दे क्योंकि अभी हमने इसको देखा नहीं। तो तीन कीवर्ड्स को आपने जब अपना टाइटल लिखना है आपने इन्हीं तीन कीवर्ड्स को में से इंसर्ट करने हैं, लाइक एडवांस्ड Amazon कीवर्ड रिसर्च को आप कर सकते हैं एडवांस्ड Amazon कीवर्ड रिसर्च। आपके पास दोनों कीवर्ड्स आ गए, इसको खत्म कर देंगे। पीपीसी कैंपेन्स भी रहने दे, आप लोग ये वाला कीवर्ड इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि आप लोग प्रोडक्ट्स के लिए कर रहे हैं और पीपीसी नहीं दे रहे। पीपीसी थोड़ा डिफरेंट है इसलिए मैंने इसको रिमूव करवा दिया। तो टाइटल में आप लोग ये कर सकते हैं आई विल डू एडवांस कीवर्ड रिसर्च फॉर योर प्रोडक्ट लिस्टिंग्स, जबरदस्ती आपका टाइटल तैयार हो गया। अब इनकी इमेजेस देखने से पहले हम इनका देखते हैं, इन्होंने गिडमी का इंफॉर्मेशन लगाई दिया। इसकी पहले देखें तो इसने अपना जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसको बोल्ड और हाईलाइट किया हुआ, इसने सिर्फ बोल्ड किया हुआ, हाईलाइट का वर्ड नहीं यूज किया हुआ और कैपिटलाइज सारा किया हुआ है। आई विल रिकमेंड कि कैपिटलाइज ना करें क्योंकि अक्सर लोगों को फुल्ली कैपिटल टेक्स्ट पढ़ने में बहुत मसला होता है, ठीक है? तो बेहतर यही है कि आप ये ना करें, कुछ लोग इसको नेगेटिव भी ले जाते हैं। आप लोग तो इस तरह हाईलाइट कर सकते हैं। अगर स्टार रेटिंग भी इनकी कंपैरिजन करें, इसके तीन प्रोजेक्ट्स इन क्यू में है और 307 रेटिंग है 5 स्टार, इसका 1 प्रोजेक्ट क्यू में है, 57 लोगों ने रेट किया और 4.9 स्टार्स है। अब ऑनलाइन काम में ये बहुत होता है कि अगर आपसे एक भी गलती हो गई तो आपकी स्टार रेटिंग अफेक्ट होगी, ठीक है? एक भी रेटिंग आपको गलत मिल गई तो ये जो 5 स्टार्स है ये कम पड़ जाएंगे। जब लोग ये ब्रेक डाउन देखेंगे और उनको पता चल गया कि इसको काफी लोगों ने 1 स्टार भी रेट किया हुआ है तो इससे आपकी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा मुतासर होंगे, ठीक है? अक्सर लोग प्रेफर करते हैं कि सिर्फ उनको अप्रोच करें जिनको सब ने 5 स्टार रेट किया हुआ है। 2 लोगों ने इसको बस 3-4 स्टार किया हुआ है लेकिन इसकी रेटिंग जो है वो 5 स्टार है। इट मीन्स कि इंप्रेशन यही जाता है कि इसको सबने 5 स्टार रेट किया हुआ है। फिजिकल ऑफलाइन काम में, लाइक अगर आप किसी दुकान पर जाएं, वहां पर अगर कोई आपके सामने कस्टमर आया जिसके साथ बड़ा मिसबिहेव किया दुकानदार ने, उसके बारे में सिर्फ आपको पता होगा कि इसके साथ मिसबिहेव किए, नेक्स्ट आने वाले कस्टमर्स या पिछले कस्टमर्स को हार्डली पता चलेगा कि इस दुकानदार ने किसी कस्टमर के साथ मिसबिहेव किया। लेकिन ऑनलाइन काम में अगर कोई काम सर्विस अच्छी नहीं जाती तो वो आपके फ्यूचर कस्टमर्स को और प्रीवियस कस्टमर्स सबको मुतासर कर सकती है। हो सकता है नेक्स्ट जो आपके रिपीट कस्टमर्स है वो आना छोड़ दें कि इसको बैड रेटिंग मिली थी। हो सकता है नेक्स्ट कस्टमर आए आपका कंटेंट देख के लेकिन देखे कि इसको तो रेटिंग ही बड़ी गंदी मिली हुई है तो मैंने इससे काम नहीं कराया। इस तरह अफेक्ट होता है काम। बैक टू द कंटेंट, इसने फेजेस में सब का अपना जो भी उसने काम करना है उसको डिफरेंट फेजेस में कन्वर्ट करके ईच स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ। अक्सर लोग होते हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले मुझसे बात लाजमी करनी, क्योंकि वो अक्सर लोग होते हैं वो डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और ना उनको पता होता है कि आपने किस तरह काम करना है ना आपको पता होता है कि उसको एग्जैक्टली चाहिए क्या। इसने अपना सारे फेजेस एक्सप्लेन किए हुए हैं तो अगर कोई ऑर्डर डायरेक्टली प्लेस कर भी देता है उनको पता होगा कि इसने किस तरह काम करना है, और अगर नहीं भी पता तो ये क्लेम कर सकता है तो मैंने तो अपना सब जो सर्विसेज है जो स्टेप्स है वो ब्रेक डाउन किए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ फेजेस, मैंने तो इसी स्टेप को फॉलो करना था तुम्हें ये देख के प्लेस करना चाहिए था ऑर्डर।
इसने नंबर्स ऐड किए हुए कि 2021 में मेरा इतना पर मंथ जनरेट किया मैंने पीपीसी के थ्रू. पीपीसी के थ्रू अर्निंग जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसके लिए टेक्निकलिटीज का थोड़ा देखना पड़ता है. तो बेहतर यही है कि आप लोग जो आपने सीखा है पहले उसी को इम्प्लीमेंट करें. इसको कहते हैं कॉपी राइटिंग. उसने पहले उनकी प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दी और बाद में अपना सोल्यूशन बताया कि मैं इस प्रॉब्लम को किस तरह रिजोल्व करता हूँ. इनकी इमेजेस की तरफ देखें तो इसके लिए भी आप लोगों को स्पेसिफिकली कोई ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल्स आना जरूरी नहीं है. आप लोग मेन कवर जो है वो कैनवा पे डिजाइन कर सकते हैं. लॉग इन करेंगे यहाँ पर काफी सारे, लाइक जो मैंने अपना यूट्यूब का बैनर है ये कैनवा पर ही क्रिएट किया. मैं कोई ग्राफिक डिजाइनर नहीं हूँ तो आप लोग भी इस तरह क्रिएट कर सकते हैं. ये भी मैंने सब थंबनेल जो है ये कैनवा पर डिजाइन किया है. कैनवा का लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, इसके ऊपर आप कर सकते हैं. इसके रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई मसला है तो पूछ सकते हैं. मैं आप लोगों को जैसे कि मैंने बनाए हुए तो मैं आपको सिखा भी सकती हूँ, एक सेशन इसके ऊपर भी कर सकते हैं. ठीक है, मैंने अपनी फाइबर गिग का बनाया था. खैर, इस तरह आप लोग कवर डिजाइन कर सकते हैं और जो आपने काम किया हुआ है वो भी शो कर सकते हैं कि किस तरह इसने जैसे स्टैट्स शो किए हुए हैं सब. तो इससे ज्यादा ट्रस्ट बैठ जाता है कि ये बंदा रिजल्ट्स लाता है, इसको मैं अप्रोच करूं. इसी तरह इसका देखे तो इसने अपने रिव्यूज पब्लिश किए हुए हैं, आप रिव्यूज भी लगा सकते हैं. और अपना जो काम किया हुआ है उस डॉक्यूमेंट के इसने स्क्रीनशॉट्स ऐड किए हुए हैं, बल्कि प्रेजेंटेशन पूरी देख सकते हैं. दिस इज ग्रेट. इस फॉर्मेट को आप फॉलो कर सकते हैं कि जब एक 5 स्टार रेटिंग वाला बंदा है वो किस तरह काम करता है, आप भी उसी तरह काम करें और अपने इस तरह डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करके वो लगा सकते हैं ताकि दूसरों को इम्प्रेशन रहे कि आप नीट काम करते हैं. इसने और भी काफी सारे ऐड किए हुए हैं. सो द पॉइंट इज के आपने हमेशा वैसे काम करना है जैसे आपका कंपेटिटर काम कर रहा है. इसके अलावा आप लोग और भी गिग्स एक्सप्लोर कर सकते हैं. अभी तो हमने एक बार ही देखी है. और कीवर्ड्स भी ट्राई कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ लिखा था पहले अमेजोन कीवर्ड रिसर्च, अब सिर्फ अमेजोन कीवर्ड्स लिख दिया. दिस वन से पीपीसी रिलेटेड आ रहे हैं. एफबीए प्रोडक्ट रिसर्च, अमेज़न एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेज़न एफबीए स्टैंड स्टोर, इसको देख सकते हैं. पॉइंट इसके जिस तरह आपका कंपेटिटर काम कर रहा है आप भी उसी तरह काम करें, कीवर्ड्स ऐड करें और उसी फ्लो को फॉलो करें, लेकिन कंटेंट यूनिक हो. नेक्स्ट, प्राइसिंग प्लान अभी आप इनके देख सकते हैं. यहाँ पर उनका डिटेल्ड ब्रेकडाउन है कि वो क्या क्या करेगा. इसने 3 पैकेजेस दिए हैं, 45 का मिनिमम, फिर 65, फिर 215, और इसने $5 मिनिमम है, फिर $10 और फिर $15, क्योंकि ये पीपीसी नहीं, ये पीपीसी है अगेन. इस तरह आप लोग इनकी इन सर्विसेज को देखकर इस अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं. फाइवर पे आपको सब कुछ ऑप्शन मिलेंगे, इट्स नॉट दैट हार्ड, सब कुछ इजीली होगा. आपने अपने हर पैकेज को नेम देना है और उसमें सब डिटेल बतानी है कि आप क्या करेंगे. फॉर एग्जाम्पल $5 में है तो आप सिर्फ 5 कीवर्ड्स फाइंड करके देंगे, और अगर $10 है तो आप 10 कीवर्ड्स फाइंड कर देंगे. इट्स अप टू यू, आपने क्या बजट रखना है, आपके कंपेटिटर्स क्या रख रहे हैं, या आपके जैसे लोग जो है वो क्या रख रहे हैं, उसी तरह आप रख दें और फिर 3 पैकेजेस बना लें. सबसे सस्ते में कम काम हो, सबसे ज्यादा उससे महंगे में उससे ज्यादा काम हो, और सबसे महंगा जो काम है उसमें बेस्ट हो. FAQ भी ऐड कर सकते हैं. इसका मतलब है कि आपसे कुछ लोग जो होते हैं वो बार बार अक्सर होता है क्लाइंट्स क्वेश्चन करते हो, आप उनको एज एन क्वेश्चन, परमानेंट क्वेश्चन आप अपनी गिग पर ऐड कर सकते हैं. जब भी कोई आपकी गिग देखेगा उसको ये क्वेश्चंस नजर आ जाएंगे, जैसे हम अभी देख रहे हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो 4 प्रोफाइल्स हमने खोली थी इन्होंने कितनी कितनी गिग्स बनाई है. जैसे ये जो फर्स्ट पर्सन है इसने देखा कितनी सारी गिग्स बनाई है, 7 गिग्स है. और जब भी आपने कोई फाइवर पर बनानी है, मिनिमम जिसका $5 हो उसका बहुत ज्यादा काम चलता है. लाइक
अब इसको देखें, इसका हर जो गिग है उसका मिनिमम $5 है, और ऐसी गिग्स लिटरली बहुत चलती हैं जिन जो सस्ती हो, ठीक है, वो फ्रंट पे भी ज्यादा आती है पर्टिकुलर कीवर्ड सर्च करने पे। इसकी देखें तो इसने 8 गिग्स बनाई है, और उनमें से काफी सारी जो है वो $5 भी हैं। ठीक, दिस वन इसने एक भी $5 पर नहीं बनाई भी, सीम्स टू बी प्रो, लेवल 2 है इसलिए, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी मतलब इंडस्ट्री का रिनाउन पर्सन हो गया है। 3, 6, 9, 12, इसने 12 गिग्स बनाई हुई है, 12 गिग्स है इसकी। और देखें इन सब में इसने थीम चूज किया हुआ, थीम कवर्स है सबके, दैट्स गुड। इस तो बस एक ही बनाई हुई है जिसका हम देख रहे थे। गिग्स बनाने से पहले जाहिर है आपको पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, और दैट इज लिटरली अ पीस ऑफ केक, बहुत इजी है। सिर्फ अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है और डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है। डिस्क्रिप्शन के लिए भी वही सेम फॉर्मूला है, कीवर्ड्स इंसर्ट करने हैं, जो भी आपकी सर्विसेज हैं उनको इधर लिस्ट करना है, जेनेरिक वर्ड्स एंटर करने हैं, जैसे ये एक राइटर की गिग है तो उसने प्रोफेशनल ब्लॉगर ये कीवर्ड है, फ्रीलांस राइटर, ऑनलाइन बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट, ऑनलाइन बिजनेस, ये सब कीवर्ड हैं जो उसने अपने बारे में बताया हुआ। इसी तरह इनकी देखें तो SEO इज अ कीवर्ड, WP डेवलपर्स, W वेबसाइट SEO एक्सपर्ट्स, ये दोनों कीवर्ड्स हैं। WP फॉर वर्डप्रेस, YouTube SEO एक्सपर्ट्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, आगे उसने प्लेटफॉर्म्स के नेम्स मेंशन किए हैं, ये सब जेनेरिक कीवर्ड्स हैं, Amazon अफिलिएट, एडसेंस। तो आप इस तरह अपना बेसिक बात लिखने, इसके लिए ये नहीं आप कोई बहुत हाई फाई कंटेंट राइटर हायर करें या खुद बहुत मेहनत करके लिखे, आप बस देखिए आपने कंपेटिटर्स ने आपकी किस तरह लिखा हुआ है, उससे मिलता जुलता ही लिखे। वंस यू हैव क्रिएटेड योर अकाउंट, आपने अपना अकाउंट भी बना लिया और अपने गिग्स भी पब्लिश कर दी, आई विल रिकमेंड कि स्टार्टिंग में हमेशा 3 से 4 गिग्स पब्लिश करें, उनमें से एक आधी मस्ट $5 की गिग हो, जो स्टार्ट हो रही हो $5 पे। उसमें सर्विस कोई हल्की फुल्की दे दे, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी सर्विस आप $5 में दे। नेक्स्ट स्टेप है कोई प्रोजेक्ट आए या आप कोई प्रोजेक्ट ढूंढे, अब इट डिपेंड्स कि आप लोगों की अपनी सर्विस क्या, आप लोगों ने किस सर्विस की गिग लगाई हुई है। जितनी ज्यादा सर्विसेज होंगी, जितनी ज्यादा आपकी डोमेन वास्ट होगी, उतनी ज्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों को ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं जो कि आपकी सर्विसेज से रिलेटेड है। ठीक, तो आप लोगों ने बायर रिक्वेस्ट देखने के लिए, तो आप लोगों ने बायर रिक्वेस्ट देखने के लिए क्या करना है, यहाँ से अपनी ये अपनी प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है, प्रोफाइल पर क्लिक करना है और मोर पर जाना है, यहाँ से बायर रिक्वेस्ट देख लेनी है। क्योंकि मैं फाइवर मोस्टली यूज नहीं करती और ये सर्विस काफी रेयरली कोई रिक्वेस्ट करता होगा, यहाँ पर मैंने काफी पहले की बनाई हुई आईडी, तो यहाँ पर कोई इससे रिलेटेड नहीं आ रहे। लेकिन फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की गिग्स बनाई हुई है, डिफरेंट गिग्स बनाई हुई है फॉर कीवर्ड रिसर्च, फॉर कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, फॉर कॉपी राइटिंग या जो भी सर्विसेज, तो उससे रिलेटेड अगर किसी ने कोई जॉब पोस्ट की हुई है, किसी को आपकी सर्विसेज चाहिए, वो आपको यहाँ शो होंगी और उधर यहाँ पर आप अपना प्रपोजल सेंड कर सकते हैं, इधर बटन होगा ग्रीन कलर का। ठीक, अदरवाइज आप लोग वेट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को लिंक्डइन के ऊपर मार्केट कर सकते हैं कि मैंने फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट बनाया, किसी को सर्विसेज चाहिए हो तो वो आए। इसी तरह फाइवर आप फ्रीलांस, आप फेसबुक के ऊपर फ्रीलांसिंग ग्रुप्स में मैसेज कर सकते हैं कि ये मेरी फाइवर प्रोफाइल, अगर किसी को इस रिलेटेड सर्विसेज चाहिए हो तो मुझे आप लोग अप्रोच कर सकते हैं। सो दिस इज एक्चुअली इट फॉर टुडे, आज के लेक्चर में आप लोगों ने फाइवर फ्रीलांसिंग के बारे में सीखा, फाइवर के बारे में जाना, फाइवर के ऊपर किस तरह अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन दिलाया फाइवर का। और अकाउंट क्रिएट कराना इज नॉट दैट डिफिकल्ट कि जिसके लिए पहले आप लेक्चर सुने और फिर आप बनाना शुरू करें, आप लोग अभी बनाना शुरू करेंगे आप लोगों से अभी बन जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई मसला होता है, गिग बनाने में कोई मसला होता है, या फिर आप लोगों को ये डिजाइन थंबनेल बनाने नहीं आते, ये आप लोग सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं, या मुझे जिस पे मीडियम से आप लोगों को अप्रोच करना फिजिबल रहता है वहां से अप्रोच करें और ये अकाउंट क्रिएट करें। ठीक है।
और जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने ये सर्विस सीखी है तो आप लोग इसी की गिग बनाकर बैठ जाए, इसी की मल्टीपल गिग्स बना लें। इसके अलावा अगर आप लोग, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि असाइनमेंट्स अच्छी बनाते हैं, तो उसकी भी लगा सकते हैं, होम ट्यूशंस, ऑनलाइन ट्यूशंस की बना सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास स्किल है, कंटेंट राइटिंग है, उसकी लगा दें। पोइट्री अच्छी किसी भी टॉपिक पर लिख लेते हैं, उसकी गिग बना लें कि मैं आप लोगों को आपके दिए गए टॉपिक पे अच्छी पोइट्री लिख कर दूंगी। तो जो आपके पास स्किल है उसकी अलग अलग गिग्स बनाते जाएं, जितने ज्यादा कोई आप लोगों को यहाँ पर पकड़ेगा नहीं कि तुमने इतने स्टोर क्यों बनाए हुए। ठीक, आप जितना बनाएंगे उसमें आपका फायदा है, लेकिन बशर्त के आप लोगों को वो काम अच्छा आता हो। ठीक है, नहीं भी आता, आपने बना दिया, साथ साथ सीखते रहे कि जब कोई प्रोजेक्ट आए आप लोगों को उसके सामने शर्मिंदगी ना हो, या आपको कोई वो बैड रेट करके ना जाए, क्योंकि अगर बैड रेटिंग मिल गई अगेन तो आपके फ्यूचर कस्टमर्स बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे। एंड या वन थिंग मोर, मैं काफी टाइम बाद लेक्चर अपलोड कर रही हूँ। आई गेस लाइक 3 वीक्स पहले मैंने अपना लास्ट लेक्चर अपलोड किया था। इट वॉज बिकॉज ऑफ माई हेल्थ, आई हैड कॉट फ्लू और वो अभी तक प्रॉपरली ठीक नहीं हुआ, तो काफी टाइम लग गया। बट यस, अगर कोई मसला हो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स, एंड और विच एवर मीडियम इज फीजिबल फॉर यू। अल्लाह हाफिज।